सो हेलो एवरीवन, दिस इज बिट्टू टाइगर। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा दूसरा चैनल है और इस चैनल पे हर टाइप की वीडियो आएंगी। अब हर टाइप की मतलब बोले तो जो मैं काम करूंगा, जो मेन वाले चैनल पे काम करूंगा, उसका जो भी कंटेंट है, जो बिहाइंड द स्क्रीन है, इस चैनल पे आएगा। क्योंकि डांस वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा, आप ये मत सोचना कि डांस वीडियो इसमें नहीं डालूंगा, हर टाइप की वीडियो डालूंगा इसमें। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम बिट्टू टाइगर 2 से ग्रो विद बिट्टू टाइगर लिख दिया है, क्योंकि सब लोग साथ बढ़ेंगे, सब लोग साथ चलेंगे, तो इसलिए मैंने इस चैनल का नाम ग्रो विद बिट्टू टाइगर कर दिया है। तो गाइज़, इस चैनल पे जो भी मैं चीज़ें करूँगा, मान लो मैं जैसे शूट कर रहा हूँ, तो वो शूट का भी वीडियो इसमें आएगा। और क्या नाम है, म्यूज़िक वीडियो बनाऊँगा तो वो कैसे प्रोसेसिंग हुई, पीछे की क्या क्या एलिमेंट्स लगे, सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और जो भी मैं मेन वाले चैनल पे काम करूँगा वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो गाइज़, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे को, और थैंक यू सो मच। तो गाइज़, आज मैंने मंगाया है एरिस प्रिसोनस एरिस ई 3.5 इंच का मॉनिटर है। देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर है। हालांकि मैं बता दूँ कि ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर है, क्योंकि ये कम बजट में और काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है। जैसा कि मैंने सुना इसके बारे में, काफ़ी मैंने रिव्यू पढ़ा इसका और देखा मैंने यूट्यूब में वीडियो, तो मैंने इसको ऑर्डर किया है अपने मेन स्टूडियो के लिए। तो गाइस, मैं आज इसका रिव्यू करूँगा और देखेंगे इसमें क्या क्या मिला है और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, इसकी प्राइस समथिंग अमेज़ोन पर आपको समथिंग 11 से 12 हज़ार का मिल जाएगा, और ये सबसे अच्छे क्वालिटी है, सबसे छोटा है। तो गाइज़, इससे बड़े भी हैं काफ़ी, एक 18 हज़ार का है, एक 35 हज़ार का है, इस टाइप से रेट बढ़ते जाते हैं इस स्टूडियो मॉनिटर के। तो गाइज, इसका जो रिव्यू है बहुत ही अच्छा आया है, हालांकि मैंने देखा है यूट्यूब पे चैनल पे, इसलिए मैंने इसको मंगाया। तो आज देखते हैं इसको खोल के कि क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं हम लोग। तो मेरा फेवरेट स्टूडियो मॉनिटर है ये, आज देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है, क्या क्या मिलता है हम लोगों को। तो सबसे पहले ये बिल मिलता है आपको अमेज़ोन की तरफ से, और बिट्टू टाइगर हैप्पी गिफ्ट भी मिलेगा आपको उसमें देखने के लिए। और इसकी प्राइस है 11,990 रुपये। और ये सही बताऊँ आपको, चीपेस्ट में सबसे अच्छा स्टूडियो मॉनिटर मिल जाएगा, सबसे अच्छा स्टूडियो मॉनिटर जितने भी रिव्यू हैं यूट्यूब पे, आप एक बार चेक कर लेना, फिर इसके बाद से इसको परचेज़ करना। और इसके साथ आपको ये स्टैंड मिलता है नीचे का, वो माइक के नीचे रखने के लिए, आपको थोड़ा सा स्टैंड ऊपर करने के लिए। और इसके साथ कुछ ये आपको पेपर्स मिलते हैं जो बाद में देखेंगे हम। और ये मिलता है आपका, इसी के साथ हम पहला स्टूडियो मॉनिटर निकालते हैं ये। चलिए खोलते हैं इसको। इसकी क्वालिटी देखिए, एकदम प्रीमियर है। ये देखिए इसका ट्यून, और आपको यहाँ पे पावर ऑफ ऑन का मिल जाएगा, वॉल्यूम नॉब मिल जाएगा, आप यहाँ से हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से पीछे आपको तार मिलेंगी, पहले मैं वो वाला भी निकाल के दिखाता हूँ, सारी चीज़ें जो है निकाल देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या है और कैसे कैसे लगेंगे। ये आपका दूसरा पेयर है इसका, तो आपको इसके साथ ये पावर मिल जाएगा। अभी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको क्या क्या मिलना है, और इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देख लीजिए आप। तो इसको हम कर देते हैं साइड। इसको हम खोल लेते हैं पहले अच्छे से पूरे तरीके से। तो इसके साथ ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और इस अब पीछे का मैं सारी चीज़ बता देता हूँ कि क्या क्या लगेंगी, कैसे कैसे लगेंगी। अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, और आपके पास नहीं भी है फिर भी आप कनेक्ट करके चला सकते हैं, मोबाइल से चला सकते हैं, किसी से भी चीज़ से चला सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे ये आपको यहाँ से जोड़ के, जैसे रेड वाला रेड में जोड़ना पड़ेगा आपको ये, और ब्लैक वाला ब्लैक में, फिर यहाँ से ये कनेक्ट होकर आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, रेड वाला रेड में और ब्लैक वाला ब्लैक में। ओके, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये पावर लगेगी आपकी यहाँ पे, पावर यहाँ पे लगेगा, ये पीछे ये ऑक्स लगेगा यहाँ पे, उसके बाद से पावर यहाँ पे सेट हो जाएगा, और ये आप मोबाइल से लगा के यहाँ पे लगा के कनेक्ट कर सकते हैं।
ऑक्स लगा के मोबाइल में लगा के कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से भी बजा सकते हैं आप। जहाँ तक है मैंने मोबाइल के लिए यूज़ के तो लिया नहीं, ऑब्वियसली मैं स्टूडियो के लिए लिया हूँ। और इसके बाद से फिर आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें ऑक्स में, यहाँ पे रेड वाला रेड में लगाएंगे और वाइट वाला वाइट में। इसके बाद से ये मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये दी गई है कि आपको हाई फ्रिक्वेंसी कैसे कट करनी है, लो कैसे कट करनी है, कितना ज़्यादा करना है, कितना कम करना है, इसमें सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। उसके बाद से ऑडियो इंटरफेस, जिसके पास ऑडियो इंटरफेस होगा, मैं ऑडियो इंटरफेस का भी कुछ दिनों में आपके पास ये वीडियो लेके आऊँगा, जो ऑडियो इंटरफेस में परचेस करूँगा उसका भी वीडियो लेके आऊँगा, फिर दिखाऊँगा कि कैसे कनेक्ट होता है। ओके, पहले ऑडियो इंटरफेस का इसमें प्लग लगेगा, इसमें लगेगा, और देन ये स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख ही सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस यही है इसका पूरा रिव्यू, ये सारी चीज़ें मिली इनके साथ। तो मैं बता दूँ ये स्पेशल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने परचेस किया इसको। हालांकि बजट ठीक है वैसे 12,000, अगर नए नए म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स करते हैं या फिर जो भी स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन, तो सबसे पहले आई थिंक मेरे हिसाब से इनको यही लेना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, मैकी का हो गया, बहुत सारे एडम हो गया, तो थोड़ा सा हाईएस्ट बजट में चल जाता है, अगर हाईएस्ट लोग तो आपको क्वालिटी भी उस साइड से मिलेगी। तो मैं बोलूँगा आपको कि अगर आपके पास है, आपके पास 12 से 15,000 के बीच में है, 20,000 के बीच में बजट है, तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनके साथ ही आपको प्रिपेयर करूँगा, साउंड क्वालिटी है जो मैं कुछ दिन में आपको अपलोड करके दिखा दूँगा कैसे बज रही है कैसे नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर चेक करेंगे इसको। बस यही था यहाँ पे, पहले मैं कुछ दिन तक इसको यूज़ कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद से दिखाता हूँ आपको। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही मैं जो भी नया चीज़ परचेस करूँगा वो आपको दिखाऊँगा रिव्यू करके, क्योंकि मेरा काम डांस से अब इस साइड में भी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि थोड़ा सा कि डांस के साथ साथ मैं अपना और भी थोड़ा सा काम करूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपको थोड़ा सा भी पसंद हो तो, और इसके रिव्यू में लाऊंगा जल्द से जल्द। कुछ दिन में पहले गाने उन्हें बना लूँ, कुछ गाने अपलोड कर दूँ, उसके बाद से इसकी साउंड टेस्टिंग सारी चीज़ें कंप्लीट करके लेके आऊँगा। ओके, अभी मैं कुछ दिन में अपना ऑडियो इंटरफेस भी खरीदने वाला हूँ, तो मैं उसका भी रिव्यू करके दिखाऊँगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू।